बीते कुछ महीनों में तुमने यह अनुभव किया होगा कि तुम्हारा व्यक्तित्व किस तरह बदल गया है। मेरे प्रिय, तुम यह महसूस कर रहे होगे कि तुम्हारा आभा मंडल बहुत प्रभावशाली हो चुका है। तुम्हारा ऑरा इतना पवित्र और दिव्य हो गया है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। तुम अपने भीतर एक आंतरिक शांति अनुभव करने लगे हो। लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम जहां भी जाते हो वहां आकर्षण का केंद्र बनते हो। सभी तुम्हारे आभा मंडल से प्रभावित हो तुम्हें मुड़ मुड़ कर देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति तुम्हें सराहना दे रही है कि तुम सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुमसे दूर चले गए वह तुम्हारे पास आना चाहते हैं। पुराने मित्र तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, किंतु तुम अब वह नहीं रहे जिसे यह सृष्टि के लोग जानते थे। यह तो तुम्हारा नया रूप है जिसकी नई सोच, नई धारणा और नया उद्देश्य है, जो निरंतर उस अनंत दिव्य प्रकाश की ओर आगे बढ़ना चाहता है। मेरे प्रिय, तुमने अपना समय जिस कार्य में लगाया है उसी के फल स्वरूप जिन कामनाओं के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं वे सहज ही तुम्हारे पास आ जाएगी। जिसे पाने के लिए लोग सारा जीवन लगा देते हैं वो तुम्हें ऐसे मिल जाएगी जैसे कोई पंख आसमान से तुम्हारी गोद में आ गिरे। पर अब तुम मेरे वह बालक बन गए हो जिसे रत्नों से सुसज्जित सिंहासन दिया जाए या फिर कांटों से सुसज्जित मार्ग दिया जाए, वे विचलित नहीं होगा। तुम जान चुके हो वास्तविक आनंद क्या है। जो कुछ भी मिले उसे ईश्वर की सेवा समझकर स्वीकार करते हुए सदैव अपना अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति को ही बनाए रखना। ऐसे करने से बिना चाहे ही संसार की सारी भौतिक वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिलती चली जाएंगी। मेरे प्रिय, कभी भी अपने आज के व्यक्तित्व की तुलना बीते हुए कल से मत करना, क्योंकि जिस प्रकार मृत्यु के पश्चात व्यक्ति का नया जन्म होता है उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के पश्चात व्यक्ति का एक नया जीवन होता है। अपने इस दिव्य आभा मंडल को और दिव्य बनाने के लिए सदैव ईश्वर के प्रिय बच्चों की सेवा करते रहना।